जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों की आखिरकार फाइनल वोटिंग हो गई और इस फाइनल वोटिंग के साथ ही चैनल्स और तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए, जिसमें जम्मू कश्मीर से बीजेपी के लिए बुरी खबर है, वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छी खबर सामने आई। यहां एग्जिट पोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान व्यक्त किया गया है। एग्जिट पोलों के अनुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में INC और NC के गठबंधन को 40 से 48 सीटें मिल सकती हैं, यानी 90 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा में बहुमत की सरकार बनने का आंकड़ा पार किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ सहयोगी दल अगर फिर भी बहुमत ना आ सके तो उनसे सहयोग लेकर सरकार बनाई जा सकती है। एग्जिट पोल में फिलहाल बीजेपी को 27 से 32 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके अलावा PDP को 6 से 12 सीटें अन्य के खाते में 6 से 11 सीटें जा सकती हैं, यानी अन्य के खाते में जिस तरह का आंकड़ा सामने आया है वो भी किंग मेकर बन सकते हैं। दरअसल एग्जिट पोल में बीजेपी को जम्मू क्षेत्र में तो अच्छा खासा वोट बैंक मिला है, अच्छा परसेंटेज भी हासिल किया है, लेकिन कश्मीर में सीटों का आंकड़ा बीजेपी का पिछड़ जाता है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन फिर से अच्छी सफलता पाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस और NC के राज का अनुमान लगाया जा रहा है। एग्जिट पोल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को करीब 40% के आसपास वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है, वहीं PDP को इस बार थोड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को करीब 22% वोट मिलने का उम्मीद है, वहीं PDP को सिर्फ 10% वोट के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य के खाते में अगर बात करें तो 28% वोट यानी एक अच्छा खासा मार्जिन लेकर के जाने की तैयारी में, यानी अगर किसी को भी बहुमत से नीचे आना पड़ा तो फिर यही किंग मेकर बन जाएंगे। ताजा एग्जिट पोल के मुताबिक जम्मू क्षेत्र की 43 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस को 11 से 15, बीजेपी को 27 से 31 और PDP को 0 सीटें मिल सकती हैं। इतना ही नहीं, अन्य के खाते में यहां पर 1 से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही। इसके अलावा सबसे बड़ा आंकड़ा कश्मीर क्षेत्र में बदलता हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा सीटें लेती हुई दिख रही हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटों पर 3 चरणों में मतदान हुआ, जबकि हरियाणा में सिर्फ 1 चरण में। आपको बता दें पहले चरण में 24 सीटों पर 18 सितंबर को, दूसरे चरण में 26 सीटों पर 25 सितंबर को, तीसरे चरण में 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग हुई। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल ने चौंका दिया है। दरअसल पहले चरण की बात करें तो यहां 61%, इसके अलावा दूसरे चरण में 57% और तीसरे चरण में 79% वोट पड़ने के अनुमान लगाए गए हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में करीब 64% वोटिंग हुई। आपको बता दें जनवरी 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया था और 4 महीने तक राज्यपाल शासन लागू रहा था। बाद में उनकी बेटी बीजेपी के सहयोग से यानी महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन ये गठबंधन ज़्यादा नहीं चला और 19 जून 2018 को बीजेपी ने PDP से गठबंधन तोड़ लिया था और उसके बाद केंद्र सरकार ने वहां पर धारा 370 हटा करके वहां पर विधानसभाओं को भंग किया था और उसके बाद नए सिरे से उसका परिसीमन किया गया और परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।